नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और एक भाई ने कमेंट किया है कि टीपीआई और पिच के बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा अच्छा आदमी भी इसमें फंस जाते हैं, इसमें उलझ जाते हैं, छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, जिससे उनका बड़ा से बड़ा जो प्रोग्राम है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इससे रिलेटेड जितना भी क्वायरी है ना, जितना भी कंफ्यूजन है, सबको दूर करने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हालांकि वीडियो तो बहुत छोटा ही होगा, लेकिन इसको आप लोग पूरा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, टीपीआई होता क्या है और ये पिच होता क्या है। इस दोनों टर्म्स का जो यूज होता है ना, थ्रेडिंग में होता है। टीपीआई का मतलब होता है थ्रेड पर इंच, टी से थ्रेड, पी से पर, आई से इंच, यानी कि एक इंच में आपका कितना थ्रेड है। मान लीजिए यहां से लेकर अगर यहां तक का लंबाई एक इंच है, ठीक है, अगर एक इंच है और इसमें थ्रेडिंग का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग 6 टीपीआई बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो बोलने के लिए है केवल टीपीआई। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ टीपीआई का कोई काम नहीं है, आपको वहां काम लगता है किसका, पिच का, जिसका हम लोग एफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये पिच कैसे निकालते हैं टीपीआई से, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरा कितना है, 1 इंच है, और उसमें थ्रेड की संख्या कितना है, 6, यानी कि 6 थ्रेड्स जो है, ठीक है, 6 थ्रेड्स जो है उसका पूरा अगर लंबाई देखा जाए तो कितना है, 1 इंच है। जबकि अब पिच पे आए तो पिच का मतलब क्या होता है कि एक पूरा थ्रेडिंग का डिस्टेंस। अब पूरा कहाँ से होगा, अगर यहां से हम लोग चलेंगे तो यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको पिच बोलते हैं। ये तो भी थ्रेड है, इसलिए हम लोग इसको ऊपर से ऊपर ले सकते हैं या नीचे से नीचे ले सकते हैं। यही अगर आपका स्क्वायर थ्रेड रहता है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे इस टाइप का स्क्वायर थ्रेड रहता, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर हम यहां से ले रहे हैं डिस्टेंस, तो इस थ्रेड के भी इस पॉइंट तक मेजर करेंगे, जितना होगा वो पिच होता है। अगर आप यहां से ले रहे हैं, ठीक है, इस थ्रेड के अंत से ले रहे हैं, तो इस थ्रेड के अंत तक का जितना डिस्टेंस होगा वो पिच होता है। यदि आप इसके मिडिल से ले रहे हैं तो इसके मिडिल तक जितना डिस्टेंस होगा वो पिच होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पिच आप लोग समझ गए होंगे। पिच का वैल्यू क्या होता है कि किसी एक थ्रेड के बीच का कितना डिस्टेंस है, उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो हमें यहां मालूम है कि 6 थ्रेड का जो डिस्टेंस है एक, तो एक थ्रेड का कितना हो गया, 1/6, ठीक है, ये हो गया अपना क्या, पिच। इस 6। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाले के दया से अच्छा होंगे। क्या आप लोगों को मालूम है हमने एक विशेष वीडियो से चालू किया है, जिसमें सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने उसमें जाना है कि सीएनसी प्रोग्रामिंग अगर किसी को सीखना है तो उसे क्या क्या सीखना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है। उसके बाद हमने जाना है कि सीएनसी मशीन है क्या चीज, जब सीएनसी नहीं था तो किस मशीन का यूज करते थे, क्योंकि उसके पहले भी तो पार्ट्स पुर्जा बनते थे, उसके पहले भी तो मशीनिंग होता था, तो किस मशीन पे करते थे, ठीक है। फिर वो मशीन क्यों फेल हुआ जिससे सीएनसी मशीन बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। उसके बाद हमने सीएनसी का पूरा हिस्ट्री जाना है, उसके बाद प्रोग्रामिंग का पूरा बेसिक लेवल जाना है, सीएनसी मशीन का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, उसको भी हमने जाना है। और एकदम बेसिक लेवल से, प्रोग्रामिंग का बेसिक लेवल से लेकर पूरा अंत तक, अंत तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑटो मोशन का जो है कोई अंत नहीं है, अनंत है, ठीक है। तो सीएनसी टर्निंग का जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है इंडस्ट्री में, हम कोशिश करेंगे पूरे पॉइंट्स को, पूरे टर्म्स को फिलफिल करें, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ मेंटेनेंस का भी वीडियो देंगे, जिसका जो है ऑपरेटर और प्रोग्रामर को जरूरत पड़ता है। कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे, कुछ कैलकुलेशन भी बताएंगे। अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसा डायग्राम मिल गया, कोई ऐसा ड्राइंग मिल गया जिसमें कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, आपके पास सॉफ्टवेयर भी कोई नहीं है जिससे, जिसकी सहायता से आप लोग क्या करें कि कोऑर्डिनेट निकाले, तो वहां पे किस मैथमेटिक्स फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उस कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, उसको पूरा एकदम बारीकी से समझाएंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल कमजोर है फिर भी आप उस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक चीज है जिसका यूज हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो सीरीज का प्रत्येक एपिसोड देखिए। एक खास बात और है कि इसका एक ही एपिसोड हम लोड करते हैं एक सप्ताह, और वो जो है हम केवल संडे को करते हैं। अगर किसी कारण पर संडे को नहीं हो पाया तो मंडे को बिल्कुल उस एपिसोड को अपलोड करते ही हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, तो हमारे उस वीडियो सीरीज से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रत्येक एपिसोड को, ठीक है, अगर हम चाहे तो 2 एपिसोड भी दे सकते थे, 3 एपिसोड भी दे सकते थे, लेकिन एक एपिसोड देने के पीछे हमको ये मकसद है कि एक एपिसोड देखने के बाद 7 दिन तक आपके मन में, ठीक है, उस एपिसोड से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप हमसे जुड़कर उसका आंसर जो है प्राप्त कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, थैंक यू। तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल से और प्रत्येक एपिसोड को देखकर आसानी से घर बैठे सीएनसी प्रोग्रामिंग को सीखिए। टीपीआई का ये हो गया पिच, लेकिन देखिए ये है इंच में, ये क्या है इंच में। और जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं मशीन में, तो अधिकतर इंडिया में क्या है कि हर मशीन में लगभग एमएम में ही प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इंच को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि 1/6 में 25.4 से गुना करते हैं। ठीक है, 25.4 से ही क्यों करते हैं, क्योंकि 1 इंच बराबर होता है 25.4 के। और ये जो कैलकुलेशन करके निकलता है, ये हम लोग को पिच निकलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पिच और टीपीआई में आप लोग के पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे कितना भी आपको टीपीआई हो, ठीक है, उससे आप लोग पिच आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू।